हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने ध्यान को परमेश्वर के वचनों पर रखें, जैसा कि एस्तर की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 13 आयत में लिखा है, उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिस काम को करने के लिए भेजा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस काम से अपना ध्यान नहीं हटाया। पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उन्होंने कोड़े खाए, शर्मिंदगी को सहा और सलीब पर चढ़कर मर गए। जब उन्होंने पिता की मर्जी को पूरा किया तो परमेश्वर ने उनको 3 दिन के बाद मुर्दों में से जीवित करके स्वर्ग में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी भी परमेश्वर के दास को देखें कि वह एक खास ऊंचाई के स्तर पर कैसे पहुंचा है, तो इसका कारण यही है कि उसने अपने काम के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति अपना ध्यान नहीं हटाया और अपनी गवाही के लिए रोज रोज काम किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपने वचन के अनुसार ऊंचा और आशीषित किया। बाइबल में लिखा है कि हमान राजा का एक मुख्य हाकिम था और सब लोग उसके सामने झुकते थे, लेकिन मर्दके जो रानी एस्तर का चचेरा भाई था, हमान के सामने कभी नहीं झुकता था, क्योंकि हमान की जाति पापियों के वंश में से निकली थी और यहूदी जाति को उनके आगे झुकना मना था। लेकिन हमान इस बात से क्रोधित होता था कि मर्दके मेरे आगे क्यों नहीं झुकता, इसीलिए उसने मर्दके के विरुद्ध उसको मरवाने के लिए योजना बनाई, लेकिन इसमें वह असफल हो गया। तब हमान की पत्नी ने उसको बताया कि जिस मर्दके के विरुद्ध तूने योजना बनाई है, अगर वह यहूदी है तो उस पर कभी प्रबल नहीं हो सकेगा। इसीलिए जो फांसी का फंदा उसने मर्दके के लिए बनवाया था, उसमें वह खुद लटकाया गया। अगर आप आत्मिक हैं और यहूदी यानी मसीही हैं और आपने अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर चलने से नहीं हटाया, तो आपका दुश्मन कभी भी आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा। अब आपको सोचना है कि जब आपका पति शराब पीकर घर आए तो आपको उससे लड़ना है या फिर उसके पीछे की दुष्ट आत्मा से लड़ना है। आपको अपने दोस्त से लड़ना है जिसने आपके व्यापार में आपको धोखा दिया, या फिर अपने व्यापार के पीछे की दुष्ट आत्मा से लड़ना है। अगर आप उसका हल परमेश्वर के वचनों के अनुसार और आत्मिक रीति से करेंगे तो उसका हल अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए अपना ध्यान उस काम के ऊपर से ना हटाएं जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने अपनी लड़ाई को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि प्रार्थना और उपवास में रहते हुए और परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए आत्मिक रूप से लड़ना है और जीतना है। जिस तरह से एस्तर, रूथ और प्रभु यीशु मसीह ने जीती और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी किया। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।